ये है दोस्तों स्टेल मेक का 33 केवीए का पीसीबी ब्रेकर। ये अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया है, हम आपको इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है, आइए देखते हैं। ये अभी कल ही नया आया है कंपनी से, तो इसको अभी इंस्टॉल करना बाकी है, 33 केवीए के इंस्टॉल करने बाकी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसको पहुँचे। इसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं, हम ट्रिप और क्लोज का बटन दिया है, ब्रेकर को ऑफ करने के लिए हम ट्रिप बटन दबाएंगे और ऑन करने के लिए क्लोज बटन दबाएंगे। ये यहाँ पे आपको इसको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम मैनुअली ब्रेकर को चार्ज करते हैं। आइए इसको खोलते हैं, ये देखिए ये सारा इसका इनर पार्ट है, ये सारे चमक का पार्ट है। या तो खुद को ट्रिप करने के लिए रेड बटन दबाएंगे, खुद को क्लोज ऑन करने के लिए हम हरे रंग के बटन को दबाएंगे। ये यहाँ पे ऑफ डिस्चार्ज का इंडिकेटर है, ऑन ऑफ इंडिकेशन, स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन। ये यहाँ से वायर उस वाले बॉक्स में गई है, इस वाले बॉक्स में आई है जो कि हीटिंग के लिए है। ये देखिए यहाँ वायर लाइन गई हुई है, ये जो वायर्स है ये फिटी फिटी की वायर्स है। आइए हम आपके को चार्ज करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा चार्ज होगा। इसकी आवाज एक खट, इसका मतलब ये चार्ज हो गया है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑफ का इंडिकेशन है और ये स्प्रिंग चार्ज हो चुकी है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे यहाँ पे ऑन का इंडिकेशन आएगा और स्प्रिंग हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी। आइए देखते हैं, ये देखिए ऑन का इंडिकेशन आ गया है, यानी कि सप्लाई चालू हो गई है और स्प्रिंग हमारी डिस्चार्ज हो गई है। अब हम इसे ट्रिप करेंगे, ट्रिप करने के लिए हमें इस रेड कलर के बटन को दबाना होता है। आइए प्रेस करते हैं, ये देखिए ये यहाँ से ट्रिप हो गया है और ये इसका काउंटर है, यानी कि हम जितनी भी बार इसको ऑन ऑफ करेंगे ये एक स्टेप आगे जाता जाएगा। अब जैसे कि 179 है, पहले इसमें 178 था, जैसे मैंने इसको एक बार ऑन किया है ये 179 हो गया है, अगली बार फिर से ऑन करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, 180 आ जाएगा यहाँ पे। ये इसकी सारी, ये देखिए ये सारा ब्रेकर के बारे में बताया गया है, VC53 टाइप ब्रेकर है ये, VI मेक, ABB रेटेड वोल्टेज, 36 KV फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज, ये सारा इसका यहाँ पे दिया है दोस्तों। ये इसकी डाटा प्लेट है, 110 DC वोल्ट पर इसकी जो ट्रिपिंग कोयल है वो काम करती है और इसकी जो मोटर है 240 वोल्टेज AC पर काम करती है। ये स्टेल मेक कंपनी का है। ये है दोस्तों इसका आगे का फंक्शन, ये है दोस्तों इसका सारा वर्किंग फंक्शन। आइए अब मैं आपको इसकी मीटरिंग दिखाता हूँ और इसके पीछे की तरफ दिखाता हूँ, इसकी जो सिटी पिटी कोयल लगी है वहाँ पे चलते हैं हम। इस दोस्तों बंद कर देते हैं, यह इसका मीटरिंग बॉक्स, यहाँ से हम इसकी रीडिंग लेंगे, हमने कितनी सप्लाई कंजप्शन की है, कितनी सप्लाई हमने यूज़ की है, उसकी सारी इंडिकेशन यहाँ पे आएगी। आइए इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों ये इसका सारा रिले सिस्टम है, ये इसका मीटरिंग के लिए मीटर लगा हुआ है, सिटी पिटी मीटर, ये स्विच लगा है यहीं से ऑपरेट करने के लिए इसको, वहाँ से हमें अगर ऑन ऑफ नहीं करना तो यहाँ से हम इसको ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसका दोस्तों लोकल रिमोट सिलेक्टर स्विच है, जैसे कि हमें कहीं बाहर जाना है तो हम इस रिमोट इस चाबी को यहाँ से निकाल लेंगे ताकि कोई भी दूसरा ऑपरेट ना कर सके, इसलिए सिलेक्टर स्विच होता है। ये इसकी रिले है दोस्तों, कोई भी फॉल्ट आने पर ये रिले हमें बता देगी कौन सा फॉल्ट इस ब्रेकर में आया है। ये इसका हूटर है, जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो ये हूटर सायरन आवाज़ करेगा जोर जोर से, इसमें सायरन बजने लगेगा। ये इसका एम्पेयर मीटर, ये इसका KW मीटर वोल्टेज मीटर लगा हुआ है दोस्तों, ये इसके सिलेक्टर स्विच है, ये इसका मोटर का ऑन ऑफ बटन है, ये इसका हीटर का ऑन ऑफ बटन है, ये इसके सारे रीसेट का बटन दिया है, एक्सेप्ट का बटन है और ये एक्सिलरी बटन है। ये सारे इसके दोस्तों रिले के इंडिकेशन है, कोई भी फॉल्ट आने पर ये रिले इंडिकेट करेंगे, ये जो हमारे बल्ब हैं ये इंडिकेशन करेंगे।
जिसके मैं दिखाता हूँ आपको मैं। ये इसकी रिले है दोस्तों, ये यहाँ पे एम सी भी लगी है, ये स्टेबलाइजर इसको वोल्टेज देने के लिए, इसको सप्लाई देने के लिए, ये सारे इसके फ्यूज लगे हैं, ये कनेक्टर प्रोटेक्टर लगे हैं, इसमें सारा कुछ दिया है दोस्तों इसके अंदर। तो बंद करते हैं, तो बंद करते हैं। ये देखिए दोस्तों 35,000 वोल्टेज डेंजर, इसके पीछे क्या सप्लाई चालू होने के बाद हमें इसको नहीं खोलना है। अभी सप्लाई बंद है तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, आइए देखते हैं। गैस के सिटी, तीन सिटी लगी हैं तीनों फेज को मेजर करने के लिए, और यहाँ पे ऊपर में ये यहाँ पे तीन पीटी लगी हुई है करंट को मेजर करने के लिए, ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए है, ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए है, और ये हमारी यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए। ये देखिए इसकी वायरिंग मैंने आपको बताया था, यहाँ से होते हुए इसकी वायरिंग यहाँ ट्रे सिस्टम से होते हुए आगे मीटर बॉक्स में गई हुई है। ये आपके बड़े बड़े ड्रम दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जो बड़े बड़े ड्रम दिखाई दे रहे हैं ये एयर टाइट होते हैं दोस्तों, इनके अंदर से हमारी जो वीसीबी है ऑन ऑफ होती है, इनके अंदर से हमारी वीसीबी ऑन ऑफ होती है। तो ये थी दोस्तों हमारी स्टेलमैक की 33 केवी की वीसीबी। ये यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा आर वाई और बी फेज, ये इन तीनों फेज की यहाँ पे सिटी है। इस बात का दोस्तों आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि ये जो पीछे का गेट है जब तक आप वीसीबी को ऑफ नहीं करते तब तक आपको इसको ऊपर नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी एक और स्टेलमैक की 11 केवी की वीसीबी है, यहाँ पे लिखा है वो 12 किलोवाट आउटडोर वीसीबी कियोस्क स्टेलमैक की है दोस्तों। ये इसका भी मैं जल्दी ही आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, ये भी 11 केवी के फिटर के लिए नई आई है दोस्तों, अभी तक हमने इसको ओपन नहीं किया है। और इसका मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, अभी तक हमने इसको ग्राउंड भी नहीं किया क्योंकि अभी ये वर्किंग में नहीं है। यहाँ पे ये दोस्तों लिखा है इन और आउट, यहाँ से इन वाली साइड से हमारी जो सप्लाई है आएगी और आउट साइड हमारी सप्लाई इस बस बार में चली जाएगी, जिससे कि आगे सारे फीटर को सप्लाई मिल जाएगी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारी स्टेलमैक की 33 केवी की वीसीबी।